हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट मिडिल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड। और इस चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पैसेज नंबर नाइन्थ के बारे में। इस नाइन्थ पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे हिंदी में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ साथ इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पैसेज के एक्सप्लेनेशन को और इसकी वर्ड मीनिंग्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की वर्ड मीनिंग्स दी हुई है इस पैसेज के अंदर और कैसे हम इस पैसेज को और बेटर वे में समझ सकते हैं। इस पैसेज की फर्स्ट लाइन को ध्यान से आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर हाउस। उस शाम दैट इवनिंग लकड़हारी के घर में आगंतुकों का एक लंबा जुलूस लग गया। वुड कटर यानी लकड़हारा होता है, उसके घर पे जो विजिटर्स थे, जो आने वाले लोग थे, उनका एक आगंतुक जो होते हैं उनका एक लंबा जुलूस, प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स, एक लंबा जुलूस सा लग गया, राइट। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना प्रोसेशन, इसका मतलब होता है जो एक ऐसा एक जो मूविंग अलोंग चल रहा होगा, लंबा जुलूस सा लगा हुआ, लाइन लगी हुआ आप कह सकते हो, अलोंग प्रोसेशन, राइट। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सेकंड वाली लाइन के अंदर, ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ से। हर पर्सन ने, हर व्यक्ति ने, हर आदमी ने उस मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी सुनी और उस सेक का एक घूंट पिया, अ टुक अ सिप ऑफ सिप, राइट। सिप का मतलब होता है एक घूंट, अ ड्रिंक फ्रॉम अ लिटिल एट अ टाइम, एक टाइम में जो एक घूंट होती है वो सबने पिया, जितने लोग भी आए हुए थे। और इसके कारण हुआ क्या, आगे की लाइन में देखिए, इन लेस देन एन आवर अ पिचर वॉज एम्प्टी। एक घंटे से भी कम समय में जो घड़ा था वो खाली हो चुका था, राइट। आप कह सकते हो कि जो घड़ा था एक घंटे से भी कम समय में खाली हो गया था। और यहाँ पे एम्प्टी का मतलब होता है वैकेंट हो जाना, खाली जगह, अनऑक्यूपाइड, राइट। अगर इस कंप्लीट पैसेज को हम समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि दैट इवनिंग उस शाम उसके घर पर जो लकड़हारा था, उसके घर में जो आगंतुक थे, जो आने वाले लोग थे, जो विजिटर्स थे, उनका एक लंबा जुलूस सा लग गया था, राइट। और हर इंसान ने, हर आदमी ने उस झरने की कहानी सुनी और जो शेख था, जो साकी था, उसका एक घूंट पिया, राइट, वो जो शराब थी उसकी एक घूंट पिया, और एक घंटे से भी कम समय में वो घड़ा जो था वो खाली हो चुका था, राइट। और आई होप कि ये पैसेज तो आपको समझ आया होगा, लेकिन इस पैसेज के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिससे आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक मैं फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछने वाला हूँ। देयर वॉज वॉट टू द वुड कटर हाउस, उसके घर पे क्या लग गया था, उसके घर पे एक लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स, एक बिल्कुल लोगों का जुलूस, एक भीड़ सी लग गई, राइट। तो आई होप कि इस पैसेज में जो भी चीज़ें आपको समझाई गई हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, आप हमें सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।